तो कहते हैं ताल ठोक करके टेलीविजन पर कि भाई कोई करोड़ों लोग नहीं आए थे सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए, दम होनी चाहिए बाजू। दुनिया में नियम है, जो ताकतवर होता है उसके सामने बड़े से बड़ा नतमस्तक होता है, जो डरा सकता है उसी के सामने लोग नतमस्तक। इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। आज भी औरतों को चौराहों चौराहों पे नीलाम किया जा रहा है सीरिया और लीबिया के अंदर, ना वहां कोई रामलाल जा रहा, ना श्यामलाल जा रहा, ना विश्वहिंदू परिषद जा रही, ना आरएसएस जा रही, लेकिन वो कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। और जिस दिन आपके अंदर ये भरोसा जग गया, जिस दिन आपके अंदर ये एहसास हो गया कि हम कौन है, आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जिनको जरूरत है समझ में, उनको दे रहा है जो सिर्फ सब्सिडी पे पल रहे हैं और सब्सिडी पे पल करके इस देश को तोड़ने की विदेशी ताकतों के एक हथियार बने हुए। आपको मौका है, नीरज भाई जैसे लोग आपके बीच में हैं जो किसी बहाने आपको रिमाइंड कराने के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे संजय दीक्षित जी हो और तमाम लोग जो इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहाने से बात आते हैं और अपनी बात को कह करके आप तक के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा शौर्य दिवस के इस मौके पर नीरज अत्री जी ने जो काम किया है, मुझे बुलाया है, कल और लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि शायद आज मुझे, मैंने नीरज जी से कहा कि मुझे 6 तारीख को कल सुबह सुबह बॉम्बे पहुंचना है, तो ये बातचीत इसलिए हो रही है, लेकिन नीरज जी के अलावा तमाम सारे लोग अलग अलग जगह इसको करें, छोटी छोटे चाय खानों पे बैठें, डिस्कस करें, अपने अंदर से हीन भावना को निकाल दें। और सनातनियों के बारे में बार बार कहता हूं कि जिस वक्त आप 4 बार ये कहेंगे मैं सनातनी हूं ना, आपके अंदर गर्व पैदा हो जाएगा, आपके बाजुओं में जान आ जाएगी और आपके मन मस्तिष्क से होने वाली जो कुंठा है, जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, जो एहसास कमतरी आपके अंदर भर दी गई है कि आपके पूर्वज तो इसके गुलाम थे, उसके गुलाम थे, इसके गुलाम थे, हमने ये किया, कोई गुलाम नहीं था, कोई गुलाम नहीं था। इसलिए इरफान हबीब जैसे बदमाश ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है तो कम्युनिस्ट, उसने किताब लिखी हिस्ट्री की और उसमें लिखा शिवाजी वाजे माउंटेन रेट, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। तो ऐसी ताकतें हमेशा रही हैं, अभी मुगलों के नाजायज वारिस इस देश के अंदर 30-30 करोड़ हैं और वो अब उन्होंने नई रणनीति अपनाई है, अब आपको उन्होंने कंफ्यूज करना शुरू कर दिया है, वो शिक्षा के माध्यम से, वो इतिहास के माध्यम से, वो धर्म के माध्यम से, वो अब आपको नई नई कंफ्यूजन की नई कहानियां लाते हैं, क्योंकि वो आपकी वीकनेसेस को जानते हैं, आपकी कमजोरियों को जानते हैं, वो अध्ययन करते हैं, इसलिए वो माइनॉरिटी में होते हुए भी इस देश की मेजॉरिटी को खुलेआम चुनौती देते हैं कि 5 अगस्त 2020 को अगर भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तो कहते हैं ताल ठोक करके टेलीविजन पर कि भाई कोई करोड़ों लोग नहीं आए थे सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए, दम होनी चाहिए बाजुओं में। राम मंदिर की नींव जो लोग रख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं उस समाज से, नींव रखना और फैसला कोर्ट से आना ये एक बात है, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए का बनने जा रहा है, वो मंदिर सुरक्षित जब ही रहेगा जब इस देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के बाजुओं में जान होगी, दुश्मन का सामना करने की जान होगी। ये पुलिस नहीं कुछ करती, पुलिस के अपने संवैधानिक मामलात होते हैं और दुनिया में नियम है, जो ताकतवर होता है उसके सामने बड़े से बड़ा नतमस्तक होता है, जो डरा सकता है उसी के सामने लोग नतमस्तक होते हैं। और भारत की व्यवस्था, भारत की संसद, भारत का राजनीतिक व्यवहार उन्हीं लोगों से डरा हुआ है जो दिल्ली में दंगा कर देते हैं, अलीगढ़ में कर देते हैं, रामपुर में कर देते हैं, आजमगढ़ में कर देते हैं, मेरठ में कर देते हैं, मुरादाबाद में कर देते हैं, संभल में कर देते हैं, मालदा बना देते हैं, केरला बना देते हैं, जो जोसेफ के हाथ काट देते हैं। ये डर इसलिए पैदा किया जाता है क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम तर्कों पे नहीं जीत सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व, उनका उनकी पूरी संस्कृति जो टेंट में पैदा हुई थी 1400 साल पहले, वो कुरानिक जो सिविलाइजेशन है वो तो इसी के ऊपर है, लूटो खसोटो मारो लड़ो बलात्कार करो, यही है इसे डॉक्ट्रिन, ये कोई मजहब मजहब नहीं है, इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। और समय के हिसाब से उसकी परिभाषा बदल लेते हैं और आप उनकी कलाकारी देखिए कि पूरी दुनिया में नंगा नाच है, नंगा नाच है। आज भी औरतों को चौराहों चौराहों पे नीलाम किया जा रहा है सीरिया और लीबिया के अंदर,
ना वहां कोई रामलाल जा रहा, ना श्यामलाल जा रहा, ना विश्वेंदु परिषद जा रही, ना आरएसएस जा रही, लेकिन वो कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। अब हम ये मान रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि अब कुछ बातों को समझने के लिए ऐसे मौके आए और इन्हें समझें और इसके माध्यम से सवाल करें, मन में कोई जिज्ञासा हो, हम हैं, तमाम सारे लोग हैं। इसलिए एक ऐसा भारत बनाना है जिस भारत में हमारी मां बहन उसके मांग भरी हुई हो, उसके हाथों में चूड़ियां हो, वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के जा रही हो तो सुरक्षित घर आ जाए। ये दंगाई जो सड़कों पे भूखे नंगे घूम रहे हैं, जो सरकार को लूटते हैं, जो मंदिरों को लूटते हैं, जो घरों को लूटते हैं, वो सभ्यता के लोगों को वहीं भेजा जाए जहां से ये आए थे। और आप इतने ताकतवर हो कि आपके देश की धरती, आपके देश की संस्कृति, सरोकारों को वो किसी तरीके से चोट ना पहुंचा पाए। इसलिए सरकारों पे निर्भर होना छोड़ दीजिए। सरकार इस पूरे सिस्टम यानी जो राष्ट्र है उसमें सरकार एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। कोई सरकार संसार दुनिया में समाज से बड़ी नहीं होती। समाज कैसा होता है वैसे ही सरकार बनती है। आपने यादव होके, ठाकुर होकर, ब्राह्मण होकर, दलित होकर आप 70 सालों से वोट दे रहे थे तो आपको सरकार वही मिल रही थी। आपने जब ये सब कुछ छोड़ा और आपको लगा कि हम इतने लंबे समय के बाद पहली बार आपको बोध हुआ कि हम भी तो सनातनी हिंदू हैं, क्या सब सारे सनातनी हिंदू, उनके काम अलग अलग थे, कोई गाय चराता था, कोई सेना में जाता था, कोई पूजा करता था, हर एक का काम बटा हुआ था, जैसे आज सबका काम बटा है, एक पत्रकार है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो क्या ये जाति नहीं थी, ये काम के नाम पे व्यवस्था थी, लेकिन आपको लोगों ने भरमाया और फिर आजादी के बाद सत्ता के दलालों ने, चापलूसों ने संगठन बनाना शुरू कर दिए जाति के नाम पे, दुकानें चली, बिक गए, कोई इधर बिक रहा है, कोई उधर बिक रहा है, कोई जय भीम कह रहा है, जो जय भीम कह रहा है, तो ये इस चीज से आपको अवेयर होना होगा। अगर ये पुरुषार्थ जगाने का जो क्रम नीरज जी, संजय दीक्षित जी, कर्नल आर एस सिंह, जी डी बख्शी, सुशील पंडित, दलित अंबरदार, अंकुर शर्मा, कैप्टन सिकंदर, ये लोग जो चला रहे हैं, इन सबका एक ही ध्येय है कि आप सोए हुए हैं, आपको सिर्फ जगाना है। और जिस दिन आपके अंदर ये भरोसा जग गया, जिस दिन आपके अंदर ये एहसास हो गया कि हम कौन हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। लिहाजा शौर्य दिवस हर साल नहीं, साल में ऐसे कई शौर्य दिवस हैं जिन्हें आप भूल गए हैं, मनाइए। छोटी छोटी बातों से आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपके मन मस्तिष्क के ऊपर जो हजारों साल से एक ऐसा कुठारा गाथ किया गया है कि आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, जिस दिन भी आपके अंदर वो तमाम चीजें बाहर निकल गई, आप में इतनी ताकत आ जाएगी, इतना पुरुषार्थ आ जाएगा कि कोई आपके साथ नाजायज काम नहीं कर पाएगा, सरकार नहीं कर पाएगी, पुलिस नहीं कर पाएगी, और सड़क पे चलता हुआ जिहादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि गांधी जी चले जा चुके हैं और गांधी के प्रदेश का अब दूसरा आदमी आ गया है जो एक साथ दोनों गालों पे एक साथ चांटा मारता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, समय का फेर है, लंबा समय लगा, लेकिन अगर भारत को चेतना जग गई है, भारत का सोया हुआ समाज ये एहसास करने लगा है, तो भारत की जो सदी को दुनिया के अखबार लिखते हैं, पूरी दुनिया के अखबार पढ़िए, वो ये कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। वो मूर्ख नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, वो ये जानते हैं कि किस तरीके से हमने भारत की सोए हुए उस पुरुषार्थ को, उस ज्ञान को किस तरीके से छीन लिया और इन्हें ऐसा बनाया कि ये हमारे क्लर्क बन के रह गए। इसलिए जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल खुल रहा है। जिसके पास सरस्वती थी उसे लावारिस नाजायज बच्चों के पालने के घर को, जिसे कॉन्वेंट कहते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी थी? हम अपनों को भूल गए और अपनी हीन भावना में अपने ज्ञान को भीम के दूसरों को लगा के जो अंग्रेजी बोलता है वही समझदार होता है। इसलिए जैसे जैसे आप वापस लौटेंगे, आपके यहां एक भी भूखा नहीं रहेगा। आपकी जो गुरुकुल व्यवस्था थी, आपका जो काम की व्यवस्था थी, आपके यहां शादी के जो काम थे, उसमें हर काम में हर एक आदमी का काम बटा हुआ था, कोई भूखा रह ही नहीं सकता था।
आज हालत यह है कि अरबों खरबों रुपया हमारा लोगों को सब्सिडी देने में जा रहा है, और उन लोगों को सब्सिडी दे रहा है जिनको जरूरत है समझ में, उनको दे रहा है जो सिर्फ सब्सिडी पे पल रहे हैं, और सब्सिडी पे पल करके इस देश को तोड़ने की विदेशी ताकतों के एक हथियार बने हुए हैं। ये शाहीन बाग, ये सीए के ऊपर बैठना, ये मंदिर के बारे में ये कहना कि हम कुछ साल के बाद ताकत में आएंगे तो हम राम मंदिर को तोड़ के ये ताकतें कौन हैं, कहां हैं? और आपके दौर में कुछ चीज छुपी नहीं है, इस सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ आपको पता है। लिहाजा आज का दिन है 6 दिसंबर कि आप प्रण करें और एक बार इस बात का एहसास करें कि ऐसे दिन आपको 365 दिनों में से हर दिन को ऐसा बनाना है कि आज इस शौर्य दिवस के ऊपर हमें ऐसा एक प्रोग्राम करें, फिर दूसरा कोई शौर्य दिवस हो। और ये सिलसिला जब रुकेगा, जब भारत की संस्कृति को तोड़ने वाली ताकतें, इस धरती को निजामे मुस्तफा बनाने वाली ताकतें, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने वाली ताकतें, गजवाए हिंद लाने वाली ताकतें, चाहे वो महबूबा हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे आजम खान हो, चाहे आपका अजमल खान हो, चाहे वो आपका हैदराबाद में जोकर बैठा है, इन ताकतों को समाप्त किए बिना भारत का पुरुषार्थ नहीं चल सकता। नीरज भाई।